जो सूरजपुरा समर्थन आप बता रहे थे कि शायद पिछली बार भी बड़ी मात्रा। देखिए ये सूरजपुरा असदपुर गांव है और इस गांव का मेरा एक विशेष लगाव रहा है। जब मैं राजनीति में भी नहीं आया था जब से इस गांव से मेरा प्रेम है और पिछली बार 15 वोट बाहर गई थी, ज्यादा से ज्यादा 20 गई होगी और अब की बार भी 15 वोट भी बाहर नहीं जाएगी। पूरा गांव टेलीफोन के पक्ष में मतदान करेगा। विरोधी भी लगातार जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, आज भूड़पुर गांव में भी कांग्रेस प्रत्याशी गए हैं। देखिए भूड़पुर गांव तो आज सुबह से आप जाओगे तो जाकर देखो कि वो तो पूरा गांव जिस दिन से महापंचायत हुई है उस दिन से कोई भी गांव का सदस्य गांव में नहीं रहता है। बड़ा बुजुर्ग भी जो है 80 साल का वो भी गांव से बाहर है, वोट मांग रहा है और वो चाहे गांव में गए हो, मेरे को नहीं लगता कि गांव के कोई 5 आदमी भी अगर वहाँ होंगे। उन लोग जो भीड़ कहाँ की थी? देखिए वो चाहे कहीं से भी गए होंगे, आप अगर उनको चिन्हित करोगे, मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आधार कार्ड अगर मांगोगे तो भूड़पुर गाँव की संख्या 10% भी उस भीड़ में नहीं मिलेगी। 7 दिन बचे हैं प्रचार बंद होने में, अब लगभग 5 या 7 दिन, किस तरह से चुनाव को देखते हैं? देखिए जन समर्थन जिस तरीके से आप भी देख रहे हो, आपके कैमरे में आपने जनता का प्रेम कैद किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का अपार प्रेम और समर्थन है। जिस क्षेत्र में हम नहीं गए थे उसी क्षेत्र में ये कह रहे थे कि वहाँ से कमजोर है, जहाँ हम चले गए वहीं हम ये अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि हाँ भाई फुटपुर बेल्ट तो सन्नी के गांव है इसलिए मजबूत है। कल हम धारड़ा गए थे तो बोले भाई सन्नी यादव के वहाँ मामा है इसलिए मजबूत है। आज हम इस मीरपुर बेल्ट में आए हैं तो यहाँ भी ये कहा गया कि भाई इसका यहाँ से तो पुराना प्रभाव है इसलिए मजबूत है। हर जगह से जनता मजबूत है, मैं प्रशांत सन्नी यादव मजबूत नहीं है। ये चुनाव जनता का चुनाव है और जनता की टिकट पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और एक एक जो जन है 2 साल का बच्चा भी है वो भी टेलीफोन के लिए वोट मांग रहा है। और जब जन जन किसी चुनाव प्रचार में लग जाता है या किसी भी कार्य में लग जाता है तो भगवान उनको आशीर्वाद देता है, सफल होता है। जनता की टिकट पर सन्नी यादव, केजरीवाल 5 गारंटी देगी आज ने बढ़िया है। देखिए केजरीवाल की गारंटियां जनता जानती है कि क्या क्या उन्होंने गारंटी दी है, झूठ की वो पोट खोलते हैं आकर। और सबसे बड़ी बात जो वैकअप बोर्ड की उन्होंने कही है कि हम जो वैकअप बोर्ड की जमीन है मुसलमानों के हक है उनको देंगे। मुसलमान क्या सर पर धर के ये जमीन लेके आए थे? वैकअप बोर्ड की जमीन जो हमारे यहाँ के निवासी स्थानीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनका अधिकार है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा बाकी है, सांस बाकी है, जब तक हम वो जमीन हमारे हिंदुओं की है और उन्हीं के लिए हम रखेंगे। रेवाड़ी की जनता जानना चाहती है कापड़ीवासी कहाँ है, समर्थन की बात आ रही है लगातार लोगों का ध्यान एक ही तरफ। देखिए कापड़ीवास जी के पास मैं कल भी गया था, गाँव कापड़ीवास में मेरा कार्यक्रम था, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है और पूरा गाँव साथ था और मेरे को कई लाख रुपए वहाँ से चंदा भी मिला, चुनाव लड़ने के लिए सहयोग भी मिला है। और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी मेरे मामा जी हैं, मैं उनके पास भी गया था और मैंने कहा था कि मामा जी हमने भी किसी समय में आपकी मदद करने का काम किया है, आप हमें आशीर्वाद दो और हमें समर्थन की भी मैंने उनसे कही थी, तो आशीर्वाद तो उन्होंने दिया है, समर्थन की अभी वो देखते हैं क्या करते हैं। क्या उम्मीद है? देखिए आशीर्वाद दिया है तो कुछ ना कुछ मिलेगा। 2 तारीख को रोड शो सन्नी यादव शहर में ऐतिहासिक करने वाले। देखिए कि ये रोड शो तो नहीं है, जनता का प्यार है और जन ये टिकट जनता की चुनाव की टिकट है, जनता का हर फैसला मुझे मानना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम लास्ट 2 तारीख को एक बार शहर में व्यापारियों से रूबरू होना चाहते हैं, तो रोड शो नहीं कह सकते, एक जनसंपर्क अभियान आप कह सकते हैं। इस जनसंपर्क में कापड़ीवासी दिखाई देंगे कहीं? देखिए प्रयास जारी है, क्या रहता है मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो भाई उनका पार्टी में पद है, उनका एक लंबा जीवन रहा है, परंतु मैंने 4-5 बार में गया हूँ और हर बार मैंने ये कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो, उन्होंने अच्छा आशीर्वाद मुझे दिया। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी के आने से इस इलाके में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उन्होंने 50-55 साल में रेवाड़ी को पीछे धकेलने का काम किया है, रेवाड़ी का नाश करने का काम किया है। चाहे राहुल गांधी आ जाए चाहे सोनिया गांधी आ जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से जो प्रत्याशी बार बार गलत थोपे हैं उससे जनता परेशान है। अब की बार